की वीडियो में मैं आपको 504 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये कुछ आपके प्राइम नंबर्स हुए। इसके बाद इसमें आपको टेबल्स आना ज़रूरी है। फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेस होती हैं, उसी तरह मैंने 504 की दो ब्रांचेस बनाए। लेफ्ट साइड आपको हमेशा प्राइम नंबर मिलेगा, राइट साइड अगर आपका प्राइम नंबर आ जाता है तो वहीं पर इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 2 × 252 504 हुआ, लेकिन राइट साइड अभी आपका प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ाएंगे। 2 × 126 क्या होगा? 252 होगा। राइट साइड अब भी आपका प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ाएंगे। 2 × 63 126 हुआ, राइट साइड अभी आपका प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ाएंगे। 3 × 21 राइट साइड अभी आपका प्राइम नंबर नहीं आया है, इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी। 3 × 7 21 होता है, राइट साइड अब आपका 7 आ गया है जो कि एक प्राइम नंबर है, कहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो गई। अब आपको चेक करना है कि आपकी फैक्टर ट्री सही है गलत, इसके लिए आपको लेफ्ट टू राइट चलना होगा। लेफ्ट टू राइट चलते टाइम आपको सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर ही मिलेंगे। फिर इन प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी। 3 × 2 × 2 × 3 × 7 504 हुआ, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री एकदम सही है। एंड 3 × 2 × 2 × 3 × 7 504 के प्राइम फैक्टर्स भी होंगे।